हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल बेस्ट हिस्ट्री नॉलेज में। सो गाइस, आज हम आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? ऑप्शन ए है आपका गुजरात, ऑप्शन बी है आपका पंजाब, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है आपका उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन सही, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, राजस्थान में डिडवाना झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में डिडवाना झील कहाँ स्थित है? तो देखिए, ऑप्शन ए है हमारा जोधपुर, ऑप्शन बी है हमारा नागौर, ऑप्शन सी है हमारा बाड़मेर और ऑप्शन डी है हमारा बीकानेर। तो देखिए, इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, नागौर। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागौर। कौन सा मंदिर राजस्थान का हरिद्वार मंदिर कहलाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है आपका सांवरिया जी मंदिर, ऑप्शन बी है आपका रंगनाथ जी का मंदिर और ऑप्शन सी है आपका जगत शिरोमणि मंदिर और ऑप्शन डी है आपका मातृकुंडिया मंदिर। तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही, मातृकुंडिया मंदिर, ओके, जो कि आपका चित्तौड़ में है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, राजस्थान का राजकोट कहलाता है? ऑप्शन ए आपका भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है आपका मातृकुंडिया, ऑप्शन सी है आपका नागौर और ऑप्शन डी है आपका लूणकरणसर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लूणकरणसर। देखिए, पांचवा क्वेश्चन है आपका, वह वाघ यंत्र जो अलगौजा बांसुरी व सहनाई का मिश्रित रूप है? तो इसमें देखिए, ऑप्शन ए है आपका सतारा, ऑप्शन बी है आपका भंपग, ऑप्शन सी है आपका मशक और ऑप्शन डी है आपका मोरचंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सतारा। अब देखिए आपका छठा क्वेश्चन है दोस्तों, छठा है आपका, कौन से लोक देवी चेचक निवारक देवी मानी जाती हैं? तो देखिए, इसमें आपका है ए ऑप्शन है आपका शीतला माता, ऑप्शन बी है आपका केला देवी, ऑप्शन सी है आपका सच्चिया माता और ऑप्शन डी है आपका आई माता। तो इसमें देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? शीतला माता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सात देखिए, सात है आपका, निम्न में से राजस्थान की शिक्षा नगरी कहलाती है? तो ऑप्शन ए है आपका उदयपुर, ऑप्शन बी है आपका जयपुर और ऑप्शन सी है आपका कोटा और ऑप्शन डी है आपका अजमेर। देखिए दोस्तों, इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सी, कोटा। आठवां क्वेश्चन देखिए, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए आप, ऑप्शन ए है आपका सातवां, ऑप्शन बी है आपका आठवां और ऑप्शन सी है आपका प्रथम और ऑप्शन डी है, सॉरी ऑप्शन डी है आपका पांचवां। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आठवां। देखिए, नौवां क्वेश्चन है आपका, सुमेरपुर नगर कौन सी नदी पर बसा हुआ है? तो इसमें देखिए आपका, एक ए है आपका ऑप्शन लूणी, ऑप्शन बी है आपका जवाई, ऑप्शन सी है आपका कोठारी और ऑप्शन डी है आपका बनास। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जवाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका पाली में है, जो कि आपका पाली में स्थित है। दसवां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो ऑप्शन बी है आपका श्रीमती कमला बेनीवाल, ऑप्शन बी है आपका श्रीमती सुमित्रा सिंह और ऑप्शन सी है आपका श्रीमती कुशल सिंह और ऑप्शन डी है आपका श्रीमती वसुंधरा। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, कमला बेनीवाल। अगला देखिए, ग्यारहवां क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीनों ओरों से राजस्थान से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन है आपका, नंबर ए है आपका रतलाव, नंबर बी है आपका मंदसौर, नंबर सी है आपका नीमच और नंबर डी है आपका श्यामपुर। तो देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नीमच, ऑप्शन सी। बारहवां क्वेश्चन देखिए, पाक सीमा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन ए है इसमें
जैसलमेर, और ऑप्शन बी है आपका बीकानेर, और ऑप्शन सी है आपका हनुमानगढ़, और ऑप्शन डी है आपका श्री गंगानगर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री गंगानगर। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए इसका 13वां। राजस्थान में लाख की चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन है आपका जोधपुर, बी ऑप्शन है आपका नाथद्वार, और डी सी ऑप्शन है आपका टोंक, और डी ऑप्शन है आपका जयपुर। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।